नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में व्यापार करने के नाम पर एक व्यापारी से 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत अनंतारा निवासी एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी पर 88 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाने में शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। व्यापारी पवन अगनानी ने पुलिस को बताया कि कई व्यापारी आपस में समिति बनाकर पैसे जुटाते हैं। इस जमा राशि को सदस्य व्यापारी ही आपस में तय करके उपयोग करते हैं। बाद में उपयोग राशि को समिति में वापस करना होता है, लेकिन आरोपित कशिश कपूर निवासी नेपियर टाउन ने यह राशि समिति से लेने के बाद वापस नहीं की, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई है। कैंट पुलिस ने बताया कि व्यापारी पैसों की मदद के लिए आपस में मिलकर फंड जुटाते हैं और जरूरतमंद व्यापारी उससे उपयोग में लेता है। इसी तरह कशिश कपूर, जो कि चश्मों का व्यापारी है और उसकी ओमती क्षेत्र में दीवान चश्मे के नाम से दुकान है, उसने 88 लाख रुपए साल 2019-20 में लिया था। राशि लेने के बाद कशिश ने राशि नहीं वापस लौटाई। व्यापारियों ने पहले यह राशि वापस करने को कहा, लेकिन जब रकम नहीं मिली तो शिकायत की गई। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि मामले में कशिश कपूर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था पवन अंडानी के द्वारा, बलेरी का निवासी है। इन्होंने 88 लाख गबन धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत दी थी शशि कपूर के विरुद्ध। ये शशि कपूर अपना नेपियर टाउन गोरखपुर का रहने वाला है। इसके विरुद्ध ये थी जो शिकायत का अवलोकन पर अपराध धारा 420 409 के तहत अपराध पाए जाने से पंजीबद्ध किया गया। विवेचना में इसकी विवेचना दौरान और आरोपी की तलाश पता की जा रही है। धोखाधड़ी ठगी की थी इसमें क्या है, व्यापारियों का कुछ ग्रुप बना था, एक चार पांच लोगों का, उसमें इनका पैसा आपस में इकट्ठा करते थे और जिसको आवश्यकता पड़ती थी वो आपस में, जिसको जैसे आवश्यकता पड़ती थी तो वो उसने ले लेता था और उपयोग करके अगर होता था एक दो महीने में पैसे वापस कर देते थे। लेकिन ये कपूर के द्वारा पैसे वापस नहीं किया गया, पैसे लेके फिर शिकायत किए थे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।